अब हम डिटेक्ट करेंगे, तो डिटेक्ट प्रोजेक्टाइल की, वो प्रोजेक्टाइल जो केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। एक बार प्रोजेक्ट होने के बाद केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी अलोन। इस प्रोजेक्टाइल मोशन को करने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। कोई बता पाएगा कि ये मैंने क्या इक्वेशन लिखी है क्या चीज ये? रेज योर हैंड्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। यहां जो वाई एक्सिस पर कट गया ये इंटरसेप्ट सी है, और जो इस लाइन का स्लोप है वो स्लोप क्या है? ये स्लोप है आपका एम, है ना। तो ये इक्वेशन है वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, ये रिप्रेजेंट करती है क्या? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोई भी इक्वेशन अगर इस रूप में होगी, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी के रूप में होगी, या x इक्वल्स एम वाई प्लस सी भी हो सकता है, नीचे बन जाएगी लाइन वो और कुछ नहीं। तो इस रूप में अगर कोई इक्वेशन है तो सिंपल सी बात है, ग्राफ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राफ पर ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेट लाइन के अलावा और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सर्किल है स्ट्रक्चर, सर्किल की अपनी एक इक्वेशन होती है। एक स्ट्रक्चर सर्किल के बाद होता है पैराबोला। पैराबोला जो कर्व तो है लेकिन सर्किल नहीं है, रेडियस नहीं है उसकी कहीं, एक सिंगल रेडियस नहीं होती, तो पैराबोला की भी इक्वेशन है। पैराबोला की, पैराबोला स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो पैराबोला स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये तो सर्किल है, मतलब यहां सेंटर लिया आपने तो हर जगह रेडियस इक्वल होंगी। पैराबोला क्या है? पैराबोला ये है, ये पैराबोला है, घुमाव तो है इसके अंदर, लेकिन अगर आप इसे पूरा करोगे तो ये पूरा करने पर भी कहीं पर भी इसका कोई एक पर्टिकुलर सेंटर नहीं आएगा। ये रेडियाई इसकी क्या होंगी? इक्वल ही होंगी। बहुत सिंपल सरफेस स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली पैराबोला क्या होता है ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, जिनके पास बायो है उसे भी इससे ज्यादा बायो वालों को भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन होती है, इस पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स के एक्स स्क्वायर, या इसकी इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स के एक्स स्क्वायर प्लस के वन एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स। ये ना भी हो तो भी चलेगा, वाई इक्वल्स के एक्स स्क्वायर, ये इसकी प्रिंसिपल इक्वेशन है। मतलब यह ऐसा भी हो सकता है एक्स इक्वल्स के वाई स्क्वायर। सिंपल सी बात है कि दोनों कोऑर्डिनेट्स में से, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में से, एक स्क्वायर में और एक सिंगल पावर में, तो फिर ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। प्लस में इसके साथ कुछ और भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है इसके साथ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। क्लियर है इतनी बात? अब हम पैराबोल आ जाए अपने प्रोजेक्टाइल मोशन पर। प्रोजेक्टाइल मोशन पर पहला मोशन हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अर्थ सरफेस। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से अर्थ सरफेस पर कोई प्रोजेक्टाइल हो तो उसका पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस हमें करनी है। इसका दूसरा हेडिंग भी क्या है? प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल, एट एन एंगल कहां से? विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल से भी एंगल लिया जा सकता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल,
एंड लेफ्ट फ्री टू मूव। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, केवल और केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में चल रहा है बॉडी, तब ये प्रोजेक्टाइल बनेगा। ठीक है, कैसे है प्रोजेक्टाइल, क्या बनेगा प्रोजेक्टाइल, देखिए यहां हम अपनी कन्वीनियंस के लिए दो एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहेंगे। ये एक्स और ये वाई और ये ओ। यहां से आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद सर्टेन इनिशियल स्पीड यू, यू से आपने यहां बॉडी को प्रोजेक्ट किया। कैसे, यहां खड़े हुए और आपने ऐसे ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, इसको ऊपर की तरफ इसे प्रोजेक्ट किया है एक सर्टेन एंगल। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल से एक सर्टेन एंगल बनाते हुए जब आपने प्रोजेक्ट कर दिया एक बार इसको, आपके हाथ से छूटने के बाद, आपके हाथ से छूटने के बाद में क्या होगा, आपके हाथ से छूटने के बाद इस पर केवल केवल ग्रेविटी का इफेक्ट रह गया। जब तक ये आपके हाथ में है तब तक तो आपके हाथ की फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, ये ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कम है, यहाँ आपकी फोर्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ग्रेविटी से। लेकिन एक बार आपके हाथ से छूटते ही ये अब कहाँ रह गया, केवल और केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रह गया। अब कोई और इसके ऊपर फोर्स काम ही नहीं कर रही, केवल एक फोर्स काम कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। करेक्ट, ध्यान दीजिए, अगर आप इस बॉडी को ऐसे ड्रॉप करते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप, तब आपने बॉडी को इनिशियली कोई भी मोशन नहीं दिया, जो भी मोशन गेन किया है इसने, जो भी मोशन गेन किया वो सब मोशन ग्रेविटी के इफेक्ट से इसने गेन किया। लेकिन जब आपने इसे प्रोजेक्ट किया है, जब आपने इसे फेंका है, तब आपने अपने हाथ से छोड़ते हुए, जब ये आपके हाथ से छूटा है तब इसमें एक मोशन आ गया, और वो मोशन हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, एक सर्टेन एंगल पर है। जब ये सर्टेन एंगल पर मोशन है तो इसका मतलब ये आगे भी बढ़ रहा है और ये ऊपर भी उठ रहा है। जो आपने इसको ऐसे फेंका, प्रोजेक्ट किया, टेढ़ा प्रोजेक्ट किया इसे, तो इस प्रोजेक्शन में आपने इसे एक मोशन दिया आगे बढ़ने का भी, इसे एक मोशन दिया ऊपर उठने का भी। करेक्ट, आपके हाथ से छूटने के बाद आगे बढ़ने से इसे कोई नहीं रोक रहा, हम एयर का रेजिस्टेंस जीरो ले रहे हैं, और न कोई इसे आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहा। मतलब एक्स एक्सिस के अलावा जो इसका मोशन है उसमें ना कोई सपोर्ट है, ना कोई अपोजिशन है, ना कोई इसे और तेजी के साथ बढ़ाने वाला फोर्स है, ना इसे कोई रोकने वाला फोर्स है। तो ये मोशन कैसा होगा, आगे बढ़ने वाला मोशन, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये कैसा मोशन होगा कि कोई इसे रोक भी नहीं रहा और कोई इसे सपोर्ट भी नहीं कर रहा, तो कैसा मोशन होगा ये, यूनिफॉर्म मोशन होगा। इस मोशन में एक्सिलेरेशन कितना होगा, जीरो। लेकिन आपने इसे ऊपर उठने के लिए कहा, आपने इसे भेजा ऊपर उठने के लिए, लेकिन इस ऊपर उठने के मोशन में अपोज कर रहा है कौन, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सिलेरेशन इस पर कैक्ट कर रहा है। अब ये जो मोशन है इसका, ऊपर उठने का मोशन या नीचे गिरने का मोशन, एक सर्टेन टाइम तक ऊपर उठेगा ये, फिर नीचे गिरना शुरू कर देगा, तो वर्टिकल मोशन, ऊपर उठने का और नीचे गिरने का मोशन, ये कैसे मोशन है, एक्सिलेरेटेड है, ये एक्सिलेरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जब तक ये ऊपर उठ रहा है तो एक्सिलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जब ये नीचे गिरने लगा तो ग्रेविटेशनल एक्सिलेरेशन सेम डायरेक्शन में एक्ट करना शुरू कर देगा। समझ गई बात, दो मोशन है बॉडी के अंदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फॉरवर्ड आगे बढ़ने का मोशन हॉरिजॉन्टल, ऊपर उठने का मोशन वर्टिकल, एक मोशन हॉरिजॉन्टल एक मोशन वर्टिकल, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर।
इसमें से एक मोशन जो हॉरिजॉन्टल मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी पर है, कांस्टेंट स्पीड पर है, एक्सिलेरेशन जीरो, ऊपर बढ़ने का मोशन, एक्सिलेरेटेड मोशन है ये, समझ आई। तो अब मिलकर के क्या हो गया है, डेफिनेशन पूरी हो गई। किसकी डेफिनेशन पूरी हो गई, प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन की हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे कि ये कितना ऊपर उठेगा, कहाँ इसकी स्पीड बदलेगी, कितनी बदलेगी, क्या वेरिएशन होगा, पूरी मैथमेटिक्स से करनी है। तो मोशन, अपने मोशन में क्या होगा, आपने सर्टेन स्पीड से इसे यहां से प्रोजेक्ट कर दिया, एक सर्टेन वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, लेकिन आपके हाथ से छूटते ही इसकी डायरेक्शन लगातार बदलनी शुरू हो जाएगी, मोशन का मैग्नीट्यूड भी लगातार बदलना शुरू हो जाएगा, और ये एक पाथ फॉलो करेगा ऐसा। एक्चुअली ये जो पाथ है, ट्रेजेक्ट्री, इसको हम बोलते हैं इसकी ट्रेजेक्ट्री, ये ट्रेजेक्ट्री ही पैराबॉलिक है, मैथमेटिकली ये भी फाइंड होगी। ये पॉइंट ओ है, कहीं किसी पॉइंट पर ये मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए। यहां इसकी जो मैक्सिमम हाइट अटेंड है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एच से। कहीं पॉइंट बी पर जाकर ये वापस अर्थ सरफेस पर आ गया, ओ से लेकर के बी तक इसने जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, इसको हम कह रहे हैं रेंज, रेंज आर, कैपिटल आर। अब यहां जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ से ए के बीच में एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया पी। पी पर वेलोसिटी कितनी है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी पॉइंट पी पर। दिस इज द वेलोसिटी, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डिफरेंट हो गई है और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल गया है, ठीक है। जहां आपने इसे प्रोजेक्ट किया था, आपने एंगल भेजा था कितने एंगल पर, थीटा पर, और पॉइंट पी पर यह एंगल बदल गया, पॉइंट पी पर यह एंगल बन गया अल्फा, करेक्ट। पॉइंट ओ पर इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है u, इस u को आपने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देना है, एक कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। इसके लिए आपने x एक्सिस y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, परफेक्ट रेक्टेंगल बनना चाहिए क्योंकि आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले रहे हैं। वेलोसिटी वेक्टर के हेड से आपके वाई एक्सिस पर जहां पैर पहुंचा, यहां तक बन जाएगा ये वाई कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। आपके वेलोसिटी वेक्टर के हेड से जहां पहुंचा फुट, किसका, परपेंडिकुलर का, एक्स एक्सिस पर ये बन जाएगा आपका एक्स कंपोनेंट। y कंपोनेंट को हम लिख रहे हैं यू वाई, एक्स कंपोनेंट को लिख रहे हैं यू एक्स, करेक्ट, ओके। अब आप हाथ उठाएंगे, एक भी वर्ड बोलेंगे नहीं, यू वाई कितना है इन टर्म्स ऑफ यू, यू एक्स कितना है इन टर्म्स ऑफ यू। आपने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेकअप किया, तो जो कंपोनेंट आपका गिवन वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, ये आपका सिंपल सी बात है कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये बना आपका कितना यू कॉस थीटा, और दूसरा बचा कंपोनेंट साइन थीटा होता है, ये हो गया आपका यू साइन थीटा, राइट। अब हम इन जनरल कंसीडर कर रहे हैं बॉडी का मोशन ओ से लेकर पी तक का, कहां से कहां तक, ओ से पी तक का। ओ से पी तक पहुंचने में बॉडी ने
दो तरह के डिस्टेंस कवर अप किए हैं, दो डिस्टेंस कवर अप किए हैं इसने। ये एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ी, कितना आगे बढ़ी, एक्स, और ये वाई एक्सिस पर ऊपर उठा, कितना ऊपर उठा, ये यहां से यहां तक कितना ऊपर उठ गया, ये ऊपर उठ गया वाई, और पॉइंट पी पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी बदल गई, यू नहीं रही, अब ये कितनी हो गई, ये वी हो गई। इस वी के फिर से दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर डाला, एक परपेंडिकुलर यहां डाला, और ये सब मिलकर बनने चाहिए, एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनना चाहिए, नथिंग अदर देन रेक्टेंगल। एक कंपोनेंट बना एक्स एक्सिस के अलावा, दूसरा कंपोनेंट बना वाई एक्सिस के अलावा। एक्स एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट बना इसे लिखना है वी एक्स, और कितना होगा, सिंपल सी बात है, इट इज वी कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलावा है इसे हम लिख रहे हैं वी वाई, कितना है ये, वी साइन थीटा। क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं ओ से लेके पी तक का, लेकिन ओ से पी तक के इस मोशन में, ओ से पी तक के इस मोशन में दो मोशन इन्वॉल्व हैं। एक मोशन तो है एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ना, जिसका एक्सेलरेशन जीरो है। दूसरा मोशन है वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर उठना, जिसमें कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है जी के इक्वल। ठीक है, दोनों ही मोशन में हम इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। तो ओ से लेके पी तक मोशन में दो मोशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ना, वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर उठना। एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ने वाला मोशन आपका यूनिफॉर्म मोशन है, जीरो एक्सिलेशन है, और वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर उठने में एक नेगेटिव एक्सिलेशन है जी के इक्वल। ठीक है, तो अब यहां हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग भी वाई एक्सिस के अलोंग भी। तो कंसीडर कौन सा मोशन, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सिलेरेशन कितना है, जीरो। एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर हुआ एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल स्पीड है कितनी है, U cos थीटा, करेक्ट। तो फॉर्मूला आपने लिखा एस एक्स इक्वल्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, नहीं तो है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस एक्स है, यू एक्स कितना है, यू cos थीटा टी हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर। तो आपके लिए बचा एक्स इक्वल्स यू कॉस थीटा, मैं ब्रैकेट में लिख दूं ताकि आपको पता रहे कि ये टी कॉस का आर्ग्यूमेंट नहीं है, अलग है। यहां से आपने टाइम निकाल लिया टी इक्वल्स एक्स बाय यू कॉस थीटा। ये कौन सा टाइम है, ये जो टाइम निकाला आपने एक्स बाई यू कॉस थीटा, ये कौन सा टाइम है, ये टाइम आपका ओ से पी तक जाने का टाइम है, ये टाइम आपका एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ने का भी है, यही टाइम आपका वाई डिस्टेंस ऊपर उठने का भी है। ओ से लेके पी तक का मोशन आपने कंसिडर किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये टाइम एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ने का भी है, ये टाइम वाई डिस्टेंस ऊपर उठने का भी है। तो अब कंसिडर कर रहे हैं हम, कंसिडर वर्टिकल मोशन अलोंग वाई एक्सिस। यहां भी मुझे लिखना चाहिए था कंसिडर कौन सा मोशन कंसिडर किया हमने, हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहां अगर हम सारे पैरामीटर्स निकालें तो इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड वी यू वाई इक्वल्स है यू साइन थीटा,
यू वाई इक्वल्स क्या बनेगा, यू वाई इक्वल्स यू साइन थीटा, करेक्ट। एस वाई, वाई एक्सिस के अलावा कितना ऊपर उठे हैं, वाई, ठीक है। और ए वाई यहां कितना है, माइनस जी के इक्वल है। और साथ में टाइम लेंगे हम जो पहली इक्वेशन से निकल गया, एक्स बाय यू कॉस थीटा, करेक्ट। फिर से सेकेंड इक्वेशन लगा दीजिए, एस वाई इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सब्सटीट्यूट कर दीजिए सारी वैल्यूज, y इक्वल्स यू वाई कितना है, u साइन थीटा, t कितना है, x बाय यू कॉस थीटा प्लस हाफ a कितना है, माइनस g इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्या बचा, सिंपल आपके पास इक्वेशन बची, u कैंसिल होकर साइन थीटा बाय कॉस थीटा एक्स टेन थीटा, बल्कि यहाँ आ गया माइनस, कितना बचा आपके पास, जी बाय टू यू कॉस थीटा, हाँ सॉरी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इस इक्वेशन में देखें, वाई हमारा सिंगल पावर में है लेकिन एक्स स्क्वायर में है, एक्स सिंगल पावर में भी है, अगर ये ना भी होता तो भी क्या कहते हम, कहते ये दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट, पैराबोला। हेंस ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज व्हाट, पैराबोलिक, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। यहां तक तो हमने फाइंड किया है कि इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी, इसका जो रास्ता है, ट्रेजेक्टरी का मतलब जिस रास्ते पर ये चल के जा रहा है, उस रास्ते की शेप कैसी है, उस रास्ते की शेप है पैराबोलिक। अगर ये इक्वेशन y इक्वल्स एम एक्स सी से मिलती जुलती उसके रूप में आती तो फिर इसकी लाइन, इस ट्रेजेक्ट्री, इसका रास्ता कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ जो इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन है, हेंस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस पार्टिकल इज पैराबोलिक। ओके, याद रखिए कि हम वर्टिकली अपवर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसे पॉजिटिव लिया है, तो जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है कौन सा, एक्सेलरेशन, उसे हमने माइनस लेना पड़ेगा। वर्टिकली अपवर्ड्स यानी के प्लस वाई, प्लस वाई क्यों लिया, क्योंकि अपवर्ड्स वाई डायरेक्शन को हम प्लस ले रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने वर्टिकली अपवर्ड, अलॉन्ग वाई एक्सिस ने डिस्टेंस कवर किया वाई, तो क्या करा, फिर से इक्वेशन लगा दी, टाइम हमने ऊपर वाली इक्वेशन में से उठा लिया और पूरी इक्वेशन लगाई, निकल कर आई y इक्वल्स एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई, ये पूरा का पूरा। ये ऐसी इक्वेशन बनी जिसमें y सिंगल पावर में है, x स्क्वायर में, सिंगल पावर में भी है लेकिन स्क्वायर में भी है। ये पूरी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है किसे, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। और फिर आपने कहा कि ट्रेजेक्ट्री यानी रास्ता, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। यहां से सिर्फ एक बात सिद्ध हुई, क्या, कि इस पैरा, इस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, रास्ता है, वो पैराबॉलिक है।